नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर हमारे साथ है और उनके साथ साथ उनके फैमिली वाले लोग भी आए हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपा है। पहले जानते हैं कहां से हैं, कैसे तैयारी की, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम प्रिंसी कुमारी झा है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई प्रिंसी, और बताइए अपने पीछे की कहानी क्या रहा और कौन से जिले से संबंध। जी, मैं बोकारो से हूँ और मैंने ये जेई के एग्ज़ाम दिए थे 2023 में, और खुश तो मैं बहुत हूँ। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिल रहा है, बहुत लोगों का सपना होता है ये, और इतनी कम उम्र में इतना जल्दी जॉब ले लेना और अपने पैर पे खड़े हो जाना, ये एक अलग खुशी की बात है। और मैं तहे दिल से बहुत खुश हूँ और मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं अभी यहाँ जो भी हूँ, खड़ी हूँ, इतनी एलिजिबल बन पाई हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी और मेरे भैया का योगदान है। इन्होंने अपना जितना हो सकता था अपना पूरा समर्थन मुझे दिया, पढ़ाई में या फिर हर एक एक्टिविटीज़ में इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आप में खूबी है, टैलेंट है, तो प्लीज़ उसे रोकिए मत, बढ़ाइए, उस हुनर को निकालिए, और आपको खुद नहीं पता कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। ये पूरी दुनिया आप है आपके लिए अचीव करने के लिए, आप जो चाहे अचीव कर सकते हो, ये पूरी दुनिया आप ही के लिए है अचीव करने के लिए। क्या और क्या कहानी इस पर्दे के पीछे की कहानी को बताइए थोड़ा। पर्दे के पीछे मतलब किस तरह से तैयारी रही आपकी? अच्छा, पहले तो मेरे फादर नहीं है तो हम लोग को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, बट मेरी मम्मी ने हमें अच्छे से संभाला। जैसे एक महिला होती है, एक सशक्त महिला होती हैं, वो मेरी मम्मी ने साबित किया कि कैसे कर सकते हैं, एक सिंगल पेरेंट होके भी कैसे आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को। तो मैं जब डिप्लोमा कर रही थी तो जितना भी मेरा सिलेबस था तो मैं उससे रिलेटेड अच्छी खासी जानकारी लिया करती थी। झूठ नहीं बोलूँगी कि दिन रात पढ़ती थी, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, बट हाँ, जानकारी मैं पूरा लिया करती थी अपने सिलेबस से रिलेटेड। और जब मेरा एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद मैंने तैयारी में लग गई, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, फिर बुक सॉल्व करने लगी, मैं MCQ सॉल्व करती थी, और एग्ज़ाम से एक महीना पहले मैं 6 से 7 घंटा पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली रोज़ पढ़ती थी, बिना कोई दिन स्किप किए, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे, तो फिर आपका प्रैक्टिस छूट जाता है, आप कितना भी पढ़े हुए रहो, हो सकता है कि वहाँ पे जाके आपको याद नहीं आएगा। इसलिए मैं कंटिन्यूटी बरकरार रखती थी, 6 से 7 घंटा, एक महीना मैंने पूरा मेहनत किया इसके लिए। मेहनत किया, उसके बाद नौकरी मिली है, सफलता मिली है, कैसा लग रहा है बेटी को नौकरी मिल गया, सरकारी नौकरी मिली? सर, कि इसके फादर जाने के बाद तो मैं लगा कि मैं नहीं पढ़ा सकूंगी, लेकिन अंदर से हमको हिम्मत आया कि भगवान हमको लगता है हिम्मत दिए कि नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो, अपने बच्चे को पढ़ा सकती हो, आगे बढ़ा सकती हो। तो मैंने हिम्मत जुटाई है, बच्चे लोग को भी स्ट्रांग बनाया कि नहीं, पढ़ाई करो, तुमको जो करना है करो, हम हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ। कैसे पढ़ाई करती थी, मोबाइल देखकर या फिर किताबों से? किताब से भी करती थी, मोबाइल से भी करती थी। आजकल बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं ना? ये तो मैं मतलब किताब से ज़्यादा करती थी, और ऑनलाइन पढ़ाई होता था तो मोबाइल से करती थी। तो डांटती वाटती भी थी आप? हाँ, बिना डांटे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं। हाँ, तो जहाँ पे गलती होता था वहाँ पे डांटते भी थे पढ़ाई के लिए, आगे निकल के भी आई। जी भाई, फोटो बना रहे हैं, पीछे से वीडियो बना रहा है, अभी आपके लिए भी अच्छे पल है। बड़ी बहन है कि छोटी बहन? छोटी, हमारी छोटी बहन हुई। छोटी बहन है, छोटी बहन, अच्छा, मतलब एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, नौकरी मिल गई है, अब सरकारी जो कर्मी है वो कहलाएंगी, जूनियर इंजीनियर बन गई है, आगे जाके इंजीनियर बनेगी, क्या कहेंगे इसमें? तो देखिए, सबसे पहले तो खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है कि चलिए संघर्ष इसने किया तो संघर्ष का परिणाम इसको मिला, और मुझे पता था कि ये करेगी, कि इसका दिखता था कि हाँ, संघर्ष करी, मेहनत कर रही है, मेरिट भी है, मुझे लगता था निकल जाएगा, लेकिन हाँ, वो सही समय पे अपना ले ली, इस बात का खुशी है।
नौकरी मिल गई इस बात की खुशी है, परिवार के लोग आ रहे हैं और खुशी यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पल है परिवार के लिए, क्योंकि जो बच्चे को शुरू से पढ़ाया जाता है, बच्चे से मेहनत किया जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है, और वो बच्चा जब एक ऐसे स्तर पर पहुँच जाए जहाँ परिवार के लिए गर्व का विषय हो, तो कह सकते हैं बहुत बड़ा पल होता है। और यही वजह है कि पूरी फैमिली आई हुई है इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार।